दिन प्रतिदिन रसोई गैस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के विरोध में युवा कांग्रेस ने घुमारवीं में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। ये प्रदर्शन प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव जिला ऊना प्रभारी रजनीश मेहता की अध्यक्षता में किया गया। सरकार को कोसते हुए कहा कि देश में गरीबों की कोई सोच नहीं ली जा रही, जिससे गरीब आहत व बेहाल है। मेहता ने कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम करीब 866 तक पहुंच चुके हैं। हिमाचल में पिछले 11 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर 75 रुपए महंगा हुआ, जिससे आम जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। पहले घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के तौर पर 250 से 300 तक खाते में आते थे, जो कि अब मात्र 31 तक सिमट कर रह गए हैं। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पेट्रोल और डीजल का भी है रोजाना 30 से 35 पैसे की वृद्धि हो रही है, जिससे पेट्रोल ने देश के इतिहास में पहली बार शतक का आंकड़ा छुआ है। और ये सब केंद्र में भाजपा की सरकार से ही संभव हुआ है, जहां गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लाभकारी योजनाओं का लाभ देकर राहत प्रदान की जानी चाहिए, वहीं उस पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डालकर शोषण किया जा रहा है। रसोई गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से रसोई का पूरा बजट गड़बड़ा गया है। इसके माध्यम और निम्न वर्गीय परिवार ज्यादा प्रभावित हुए हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस केंद्र सरकार से मांग करती है कि रसोई गैस पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को तुरंत वापस ले, अन्यथा पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस सड़कों पर चक्का जाम करेगी। हमने घुमारवी में एक पेट्रोल डीजल और गैस के दामों की जो वृद्धि हुई है, उसके संबंध में आज हम युवा कांग्रेस घुमारवी एक प्रदर्शन कर रही है, और इसमें हमने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया। और भविष्य में अगर इन्होंने तेल की कीमतों को वापस नहीं लिया तो हम फिर चक्का जाम करेंगे।